स्टूडेंट इसके बाद है एक्सक्रीशन। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेल डेवलप होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना वो इनका कंसिस्ट करता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया पे डिपेंड करता है ना, जिस तरह हमारे अंदर किडनी है, इनमें किडनी नहीं होती बल्कि किडनी की जगह पर इनमें नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो वो जो नेफ्रिडिया है ना वो किडनी के तौर पर इनके अंदर एक्ट करती है। इसके बाद है इनका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम स्टूडेंट इनमें नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इनका होता है वो गैंग्लिया पर कंसिस्ट करता है। यानी जिस तरह हमारे अंदर ब्रेन है उनमें गैंग्लिया मतलब क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, लेकिन ये तो ज़्यादा ह्यूज क्लस्टर नहीं होती न्यूरॉन की। और जिस तरीके से हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है जो बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, ऐसे इनमें गैंग्लिया डिवेलप करता है और गैंग्लिया से नर्व कॉर्ड निकलती है और वो नर्व कॉर्ड बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स को कनेक्ट करती है। लेकिन इनमें कोई एक गैंग्लिया नहीं होता, बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं और ये गैंग्लिया भी सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसी नर्व कॉर्ड जो नर्व होती है नर्व कॉर्ड के जरिए से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस हो सके। तो इनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में इनके अंदर बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं ब्रेन की जगह पर और फिर इनमें नर्व कॉर्ड होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जगह पर जो कि बॉडी के बाकी के पार्ट्स को बाकी के ऑर्गन्स को गैंग्लिया के साथ कनेक्ट करती है और वो गैंग्लिया खुद भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर एक मेजर जो डेवलपमेंट एडवांसमेंट हुई है वो ये कि फाइलम मोलस्का के एनिमल में किसी भी किस्म की कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं होती। ये सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इनके अंदर बाकायदा गोनेट्स डेवलप कर जाते हैं, मेल गोनेट जिसमें से ये स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गोनेट जिससे ओवा प्रोड्यूस होता है। और ये गोनेट्स दोनों गोनेट्स किसी एक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं। अगर दोनों गोनेट्स किसी एक ऑर्गेनिज्म में हो तो वो हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। हर्माफ्रोडाइट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे एनिमल जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन या दोनों गोनेट्स पाए जाते हों, ठीक है, मेल वाले भी फीमेल वाले भी, तो इनमें हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं कुछ मोलस्कस। जबकि इनमें ज़्यादातर जो मोलस्कस होते हैं वो हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं, मतलब गोनेट या सेक्स ऑर्गन अलग अलग एनिमल्स में होते हैं, मतलब इनमें मेल अलग और फीमेल अलग, इसलिए ये हेट्रोफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। फाइलम मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उनमें जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो इनमें लार्वा जो इनका होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है। ट्रोकोफोर लार्वा फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अडल्ट में कन्वर्ट होता है और फिर इस तरीके से ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता है।